हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 का है, जो एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसका है, ये मैथमेटिक्स का है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर वन है, 120 का अभाज्य गुणनखंड है। देख, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वन। इसको कीजिएगा सॉल्व, जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आठ, और आठ को तीन से गुना कीजिएगा चौबीस, चौबीस को पाँच से गुना कीजिएगा 120 आपका आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड ये दिया हुआ है का मान है, इतना का मान क्या है आपको ये बताना है। जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो हो जाएगा आठ, आठ को तीन से गुना कीजिएगा चौबीस, चौबीस को तीन से गुना कीजिएगा बहत्तर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, देखिए, तो इंग्लिश हिंदी दोनों इस वीडियो के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, 6 और 20 का HCF है, 6 और 20 का इसमें से कौन सा HCF है, तो 6 और 20 का HCF आपको निकालने आता होगा। इसको ऐसे करते हैं, ये क्योंकि छोटा नंबर है इसलिए डिवाइड मेथड से बना दीजिए इसको। इसको दीजिएगा 3 बार में 18, बचेगा 2, 2 से फिर 6 में कर दीजिए, ये कट जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 2 इसका HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, यानी विषम संख्या का रूप क्या है। तो इसका विषम संख्या का जो रूप होता है वो 2m+1, ऑप्शन नंबर फोर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, y=px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। तो ग्राफ दिया, देखिए कितने जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट कर रहा है, तो तीन इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार से और भी करके दे सकता है, तो जितना जगह कट करता है एक्स अक्ष पर उतना उसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है ये 5 ही था उसका, ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x²-3x का शून्यक, इसका शून्यक बताना है, तो शून्यक आपको निकालने आता होगा, ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका शून्यक कैसे निकलता है, x²-3=0 हो जाएगा, इसको भेज दीजिए उधर, तो माइनस हो जाएगा प्लस, और x=, ये रूट अंडर प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है, रूट अंडर 3, तो इसका प्लस माइनस कौन सा है, प्लस माइनस ऑप्शन 3, तो सही हो जाएगा। 7 है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ -3 और 2 है, ठीक है। तो यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो α+β=, दिया हुआ -3, ठीक है, और α×β दिया हुआ 2, तो इसका होता है शून्यकों का योगफल -b/a, और इसका होता है c/a, तो बताइए यहाँ पर b का वैल्यू आ जाएगा 3 और c का वैल्यू आ जाएगा 2 और a का वैल्यू है 1, तो बताइए a का वैल्यू है आपका 1, b का है 3 और सी का है 2, यानी सभी प्लस में, तो सभी प्लस में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, इंग्लिश भी इसका लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, समीकरण निकाय इतना और इतना का क्या होगा, हल मतलब पूछ रहा है इसमें क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है ये इस प्रकार से पैरेलल जाता है, समांतर इसका बनता है इसका ग्राफ, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, रैखिक समीकरण युग्म 2x-y = 5 और 3x+2y = 4 का हल है, इसमें हल पूछा जाए, तो सिंपल से क्या कीजिए, वैल्यू बैठा के देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखते हैं वैल्यू बैठा कर, तो एक्स के जगह पर 2 बैठाएंगे हो जाएगा 4, वाई का वैल्यू -y, तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4x और 1+, यानी बराबर आ रहा है, इसमें बैठा के देखिएगा, इसमें भी सही आएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही।
क्वेश्चन नंबर 10 है, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, यानी कि आपको रैखिक समीकरण का युग्म बताना है जिसका हल होता है। तो हल होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए का, यानी संगत का। असंगत का हल नहीं होता है, और असंगत में सिर्फ एक ही आता है जिसका हल नहीं होता, वो है समांतर। ठीक है, उसका हल नहीं होता है। अभी पीछे देखे तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 10, ये हो गया, ये था, ये इसका इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है, समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कितने हल होंगे। ठीक है, तो हमें इसको जानने के लिए हमें पता करना होगा इसका a1 / a2 वगैरह, ये सब पता करना होगा कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसको चलिए निकालते हैं। तो बताइए कितना है इसका a1, तो a1 है इसका 3 और a2 है इसका 2। ठीक है, आपको दिख रहा है, और b1 है 2 और b2 है -3। तो क्या इक्वल है? नहीं, इसका जब इस कंडीशन ऐसा केस होता है तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में, समीकरण दिया हुआ है आपको 2x + y - 6 = 0, 2x - ky - 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान, अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन, देखिए यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन ऐसा जब केस आता है तो ऐसा, यानी कि a1 / a2 ≠ b1 / b2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही। इसको बैठाएंगे तो ये ऐसा वाला केस बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड। आप बैठा करके देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। असंगत अभी अभी बताए थे, असंगत में क्या होगा, असंगत में होता है समांतर, इंग्लिश में हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपको इसमें से पता करना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं आपके दिया हुआ है इंग्लिश में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है, तो और यहाँ भी करेंगे तो एक्स, ये इक्वल टू के इधर उधर है और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसलिए कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इज डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है इसमें से क्या होगा। तो डी निकालने के लिए आपको पता है कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होती है b² - 4ac। तो बैठा दें, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -5 है, तो ये हो जाएगा 25, और 4ac ये हो जाएगा 6 + 6 = 24, इसका आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 किस में, फर्स्ट में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि ax² + bx + c = 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, इसका 2 real and equal roots होंगे। तो कब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड सही। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसमें मूलों की प्रकृति यानी पूछ रहा है नेचर ऑफ द रूट्स, कि क्या होगा नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स पता करने के लिए हमें पता करना होगा डी, कि डी क्या आ रहा है। डी का 3 केस होता है, अगर इस प्रकार से एक होता है, फिर डी हमारा <0 होता है, डी इक्वल टू 0 होता है, ये हमारा 3 केस होता है, देखते हैं पता करके क्या होता है। तो इसमें से हम वैल्यू बैठाएंगे डी पता करने के, तो आपका फॉर्मूला भी बताएं, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6 × 4, यानी कि फिर से इसका 1 आ जाएगा और 1 आया है, क्योंकि 1 हमारा क्या है 0 से बड़ा, यानी कि डी 0 से बड़ा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक एवं असमान, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 आर द सेम, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी।
अगर द्विघात समीकरण का ये इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर मूल समान है तो के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो किसी का भी अगर मूल समान दिया हुआ है मतलब वहाँ पर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा जीरो, तभी ना मूल समान होते हैं, ठीक है। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दिया हुआ में जीरो के बराबर इसका वैल्यू बैठा देंगे तो बी के जगह पर है के स्क्वायर इंटू फोर, ए के जगह पर टू और सी के जगह पर है थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आठ और आठ को तीन से गुना करेंगे चौबीस, इसको इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ट्वेंटी फोर। अब इसको ब्रेक करेंगे ना तो हमारा ऑप्शन नंबर ये थ्री आएगा, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ये आएगा प्लस माइनस में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो के एक मूल माइनस दो हो तो के का मान क्या होगा, इसमें के का एक इक्वेशन दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, ठीक है, तो पुट कर दीजिए क्योंकि कोई भी मूल दिया हुआ रहता है तो वो सेटिस्फाई कर जाता है, तो इसको इसमें बस रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पर रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस के और माइनस टू माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा फोर और यहाँ माइनस में प्लस टू के और माइनस टेन इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टू के और यहाँ बचेगा माइनस सिक्स, उधर पर प्लस सिक्स में हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा थ्री, ऑप्शन हमारा आंसर है थ्री। तो आंसर किस में है, माइनस में आएगा ना, हाँ ये माइनस पहले से और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो प्लस में आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा टू इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा बीस, द्विघात समीकरण छः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के मूल हैं, इसका आपको मूल बताना है, ठीक है, तो इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिए, और नहीं तो द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं, द्विघात फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम यहाँ पर ब्रेक करें, दिया हमारा छः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो आपको पता है कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस बारह एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसा ब्रेक कीजिए ताकि हम इसको दो टर्म लिख सकें और हमारा मिड पार्ट ऐड या सेपरेट करने पर मिल जाए, तो ये हो जाएगा हमारा बारह, दिख रहा है कि हम माइनस फोर और प्लस थ्री ले सकते हैं, उस पर ब्रेक कीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा सिक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा दो एक्स और बचेगा थ्री एक्स माइनस दो, और यहाँ से प्लस वन ले लेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस दो। अब ये सेम है, इसको लिख दीजिए और ये जो बाहर बाहर है इसको लिख दीजिए, ठीक है, ये जीरो के बराबर है तो इसको भी करेंगे तो ये भी जीरो के बराबर, और उसको भी करेंगे तो भी जीरो के बराबर, यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स बराबर दो, तो एक्स बराबर दो बटा तीन, और यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर माइनस एक बटा दो, ठीक है, क्योंकि प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं, यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, तो प्लस एक बटा दो और प्लस तीन दो बटा तीन, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, ये एपी से है, चैप्टर नंबर फाइव क्लास टेन का मैथ बुक एनसीईआरटी का है, एपी दिया हुआ है थ्री कोमा थ्री कोमा थ्री का सर्व अंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको बताना है डी, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं कि सके ए टू में से ए वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से इसको घटाएगा तो आ जाएगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10, देन द सेकेंड टर्म विल बी, पूछ रहा है कि एपी का प्रथम पद दिया हुआ है 10 है, सर्व अंतर दिया हुआ है 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद आप जानते हैं कि ए टू बराबर होता है ए प्लस डी, ठीक है, तो ए दिया हुआ 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, इसका सही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23, एक एपी में यदि ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8, तब ए एन का मान क्या होगा, ठीक है, एन आप जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए का वैल्यू इसमें कितना है बताइए, तो 7 ए का वैल्यू है और एन, एन का वैल्यू कितना है 8 है, तो एक कम कर देंगे 7 हो जाएगा, और डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 3, ठीक है, तो हो जाएगा 7 प्लस 21 यानी कि 28, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, तो 28 बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर है, पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट
फाइव मल्टीपल्स ऑफ थ्री, यानी कि तीन के प्रथम पांच गुणज का योग, योग बताना है। योग बताना तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, पाँच पूछ रहा है तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एन बाई टू होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला हमारा। पूछ रहा है सम ऑफ पांच गुणजों का योग पूछ रहा है, तो ये होगा हमारा पांच, कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। सभी का योग करेंगे, इस पर फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो जगह एन हमें दिया हुआ है, एन तो पाँच है, बैठा देंगे पाँच बटा दो टू ए, ए का वैल्यू थ्री, ए का वैल्यू थ्री, एन का वैल्यू हमारा कितना है, एन का वैल्यू पाँच, तो ये कम कर देंगे चार हो जाएगा। डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस भी तीन है, ठीक है। अब इसको करेंगे सोल्व, और यहाँ पर हो जाएगा छः, और यहाँ पर हो जाएगा बारह, छः और बारह हो जाएगा अट्ठारह, और इसको यहाँ से काट देंगे तो नौ, नौ पच्चे पैंतालीस, इसका पैंतालीस किस में, ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पच्चीस, क्वेश्चन नंबर 25 ये चैप्टर 10 से आपको है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप, इंग्लिश में सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आकृति में, यहाँ देखिए आकृति दिया हुआ है, आपको बताना है इसी का मान, इसी का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का यूज कर दीजिए, तो ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, बैठा दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पंद्रह दूना तीस, और ये जीरो है और डेसिमल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई सी बराबर तीन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कौन से में, फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आकृति में दिया हुआ आपको ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल क्यू आर पी, तो समरूपता की कसौटी बताना है। देखिए फिगर में यहाँ पर आपको दिया, तो सभी साइड साइड दिया हुआ है, तो निश्चित है कि एस 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 से ही सिमिलर होगा, और एक और बात एस 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 से कॉन्ग्रुएंट भी होती है, तो यहाँ पर सिमिलर बताना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड सही। क्वेश्चन नंबर 28, यदि त्रिभुज आपको ऑप्शन दिख रहा है, यदि त्रिभुज हमारा ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए बराबर है डी, एंगल बी बराबर एफ, एंगल सी बराबर ई, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, और एंगल बी बराबर एंगल एफ, एफ नहीं है ई आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा थ्री हो जाएगा, एंगल ए बराबर है डी, एंगल बी बराबर है एफ, और एंगल सी बराबर है ई, देखिए यहाँ पर दिया हो तो ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका भी आएगा एग्जाम में ऐसा है तो आप ऐसे एंगल मिला के कर लीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, 21 में कहा क्या जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी इसका अनुपात पता करना है। तो ये हमारा होता है दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का, मान लीजिए त्रिभुज ए का क्षेत्रफल इतना है और त्रिभुज एक और त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मान लीजिए इतना है, इसका भुजा का स्क्वायर होता है, रेशियो का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 4:9 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16:81, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर है 30, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है इतना, देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण है 13 और कोई भुजा है 12, ठीक है, कोई भुजा, एक भुजा दिया हुआ है 12, तो शेष भुजा की लंबाई बतानी है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें है, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ये है आपका ये समकोण है, इसमें कर्ण दिया हुआ है 13 और कोई एक और भुजा दिया हुआ जिसका 12 है, तो किसी का 12 में आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर में से किसी एक को घटा देंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये 169 और 12 का हो जाएगा 144, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 में है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर इतना है, ए सी बराबर इतना और बी सी बराबर ये, तो एंगल बी बराबर क्या होगा, तो अगर एंगल बी बराबर 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जरूर लागू होगा, ठीक है, वो जरूर प्रूफ होगा। तो पाइथागोरस आपको पता है कि जो एंगल ये, अगर एंगल बी समकोण है
तो इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस, कर्ण होती है ठीक है, जो कि दे रखा है एंगल बी पर समकोण है ए और सी। तो ए सी दिया हुआ है इसका 12, ए बी दिया हुआ है 6√3 और बी सी दिया हुआ है 6, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल मिलना चाहिए। तो इसका स्क्वायर हो जाता है 144 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का हो जाएगा 36 और हो जाएगा इसका 3+36, इसको जब करेंगे तो हमें इसके इक्वल मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब सही सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर है 32, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। आपको पता होगा कि ये हमारा है सर्कल, ये हमारा है सर्कल और सर्कल की जो सेंटर से होकर के जाते हैं वही होता है हमारा डायमीटर, आई मीन व्यास। तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, बाकी ये सब छोटे छोटे होते हैं ठीक है, इससे छोटे। क्वेश्चन नंबर है 33, बिंदु पी से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र पी से पी की दूरी, केंद्र से पी की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो तब वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, मान लीजिए ये एक वृत्त है ठीक है, ये कोई बिंदु पी है, यहाँ से इसको खींचा जा रहा है ठीक है, और यहाँ पर सेंटर से इसको मिलाया जा रहा है और एक त्रिज्या है ठीक है। इसका दूरी दे रखा है यहाँ पर पी है, इसका दूरी देखा 25, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ठीक है, टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हो गया 25 ठीक है। तो इसके सामने हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपको पता करना है। तो हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो इसको 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हाइपोटेनस में कोई भी निकालना रहता है। अभी हम आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका दिया हुआ और इसका दिया हुआ, मान इसका निकालना है तो घटाएंगे ही सेपरेट करेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, इसको सेपरेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये दे दीजिए इसको हासिल, 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पर बच जाएगा 4, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का ठीक है, तो हो जाएगा 7 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, इसके स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकते हैं, बहुत सारे अनेक हो सकते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4। हम आपसे पूछते हैं कि एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखाएं कितने हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, दी गए आकृति आपको दिया हुआ है ठीक है, ओपी बराबर है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पीए बराबर है, पीए बराबर है 3 सेंटीमीटर, ओए की लंबाई बताना है। तो इसके सामने कर्ण है हाइपोटेनस से, लगा दीजिए फॉर्मूला पाइथागोरस का ठीक है। तो क्या होती है, एच एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, ये होता है। तो एच स्क्वायर जो है ये निकल, तो आपको पता है कि घटाना है, इसको इधर आ जाएगा, तो 25 से हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 9, यानी क्या आएगा 16, 16 किसका है 4 का, तो 4 इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, केंद्रीय कोण ठीक है, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए ठीक है। केंद्रीय कोण इसका इंग्लिश भी है, द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज, आपको ये बताना है ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 ठीक है, ये होती है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड, यही है ना, हाँ यही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए ये इसी पर एकदम फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा ठीक है। 6 सेंटीमीटर का ने बोला है त्रिज्या, तो बैठा दीजिए आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर होता है, तो हमारा हो जाएगा 36, पाई का वैल्यू 22/7 ठीक है, और होता है थीटा बाय 360, थीटा का दिया 60, तो ये हो जाएगा 360, कट कीजिएगा इसको तो ये यहाँ पर 6 बार में ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको इससे काट दीजिए तो ये भी 6 बार में ख़त्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई 12 और 1 13, इतना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है हमारा 3 ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
ये उसी का इंग्लिश है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो उसी का बता चुके हैं। 38 है क्वेश्चन नंबर, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी। वृत्त की चाप की लंबाई यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, एंगल भी दे रखा है, तो हमें पता है कि वृत्त की चाप की लंबाई का आपको फॉर्मूला पता होगा, होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ठीक है, यहाँ से आप इसको 2 और 360 कट भी कर सकते हैं। ठीक, काट दिए तो नीचे हो जाएगा 180 बार में कट जाएगा। थीटा का वैल्यू हम बैठा दिए 60, पाई का वैल्यू 22/7 और आर है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 3 खत्म हो गया। अब इसको काट दीजिए, इसको 3 बार में ख़त्म, ये भी 3 इससे काट दीजिए, 22 इसका आ रहा है 22 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखिए इसमें लघु, लघु मतलब होती है माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट का आपका दिया हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको मेजर सेगमेंट बताना है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पूरे, यहाँ देखिए हम आपको ये फिगर बता रहे हैं, देखिए ये हमारा वृत्त। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे शो करते हैं, ये वाला हो गया हमारा लघु, ठीक है, यानी कि माइनर, और ये हो गया मेजर। ठीक है, तो ये पूरे वृत्त में से इसको सेपरेट करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 × 7, ये 7 से ख़त्म, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 14 और 1 15 इतना आ जाएगा। अब इतना में से घटा देंगे किसको, 14 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 041, 140 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 40, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा। तो हम इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। कैसे होगा, तो ये हमारा वृत्त है, जो छाता होता है वृत्त का सर्कल, ये 8 पार्ट में बटा हुआ है, सभी को 8 पार्ट में, टोटल होता है 360 का, तो 360 में 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 45 बार में कट जाएगा, ये चैप्टर नंबर 12 से है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड सही। इंग्लिश भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।